जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्टों को लेकर एक अपडेट निकल के आ रही है, जो कि अभी की जस्ट अपडेट है कि कब क्या रिजल्ट आपके जारी होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको वो अपडेट बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी आपकी 22 तारीख 5 शाम 5 बजे की अपडेट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जनसत्ता की न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियली न्यूज़। और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड रिजल्ट 12th 10th 2020, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर 12th की रिजल्ट की अपडेट आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखेंगे, उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट 25 जून तक जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक बोर्ड ने एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 के लिए मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसत्ता ऑनलाइन अपडेट 22 जून शाम 5 बजे की जो अपडेट है वो कर दी गई है। अब यहाँ पर और भी अपडेट यहाँ पर है, देखेंगे क्या है पूरी अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है, ठीक है। रिजल्ट इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा, इसी जानकारी एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। वैसे आप लोगों को जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं अपडेट दे दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे यहाँ बोला गया है कि उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट 25 जून तक जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक बोर्ड ने एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 के लिए मूल्यांकन काम जो है स्टार्ट कर दिया है। वर्तमान में बोर्ड रिजल्ट डेटा अपलोड करने और उसकी जो क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में है, जिसके बाद बोर्ड द्वारा एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2020 की घोषणा की जा सकती है। और एक न्यूज यहां पर आप लोगों के सामने आ रही है जो कि इंडिया टुडे की न्यूज़ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं का रिजल्ट 22 से 25 जून तक, 12वीं का जुलाई के दूसरे हफ्ते में यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 16 जून को समाप्त हो चुकी है। 22 जून से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू होगा, वहीं 10वीं का कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। बोर्ड के आधिकारिक ने बताया है कि 22 से 25 जून के बीच कभी भी 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है और 12वीं का रिजल्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये उम्मीद अभी जताई जा रही है, ये आप लोगों का कल का जो न्यूज़ था और ये जो है आज का न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि 25 तारीख तक कभी भी आपका रिजल्ट जो है जारी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। आप मध्य प्रदेश के अलावा कोई भी बोर्ड का रिजल्ट इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपल सा चले जाना है गूगल में और यहाँ पर जो है सरकारी जॉब, ठीक है, सरकारी जॉब job.co यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है, जो कि आप लोगों को इस वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट आसानी से दिखाई दे देगा, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने टाइप किया उसी प्रकार सरकारी job.co यहाँ पर आप लोगों को लगाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप जो है जैसे आपका रिजल्ट आता है या फिर कोई अपडेट आती है, लिंक एक्टिवेट होता है, तो ये यहाँ पर अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी इस वेबसाइट के माध्यम से। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो में आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं कोई अपडेट आती है तो। जय हिंद, वंदे मातरम।